सो वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, आप देख रहे हो अपने भाई के चैनल पे आज फिर से एक और न्यू वीडियो। तो आज की जो वीडियो रहने वाली है काफी हटके रहने वाली है। जो चीज मैं आपको आज पहली बार दिखा रहा हूँ, फॉर्चुनर गाड़ी का 2017 मॉडल का एक्सीडेंट हुआ है। तो उसमें आपको बताता हूँ कि क्या क्या मेजर डैमेज हुआ है, कितने की स्पीड में गाड़ी थी, क्या ड्राइवर से है या नहीं है, किससे एक्सीडेंट हुआ है। तो गाड़ी आपको मेरे पीछे दिख रही होगी, तो फटाफट से इसकी डिटेल जो है स्टार्ट करता हूँ। सो गाइस, जैसे कि आपको फॉर्च्यूनर मैंने इंट्रो में दिखा दी थी, पर एक बारी इसकी डिटेल जो है अब आपके साथ एक बारी डिस्कस कर देता हूँ। 2017 मॉडल है, तो यहाँ पे आ चुके हैं लक्की भाजी। तो लक्की भाजी, थोड़ा सा डिटेल में बताओ कि ये जो मॉडल है, कैसे इसका एक्सीडेंट हुआ, कितने किलोमीटर चली हुई है ये गाड़ी? गाड़ी 1,00,000 किलोमीटर के आसपास चली है। तो पंजाब हाईवे पर जा रही थी, रॉन्ग साइड तो कोई बुलेट वाला गड्डी वाला आया, वो टकराया, उसके नाल एक्सीडेंट हो गया, जिसके करके सारे एयरबैग भी खुल गए। ठीक है, तो अब वो मैक्सिमम डैमेज है ये। तो ये गाइस, जैसे कि आपको दिख रहा होगा फ्रंट में इसका फेंडर डैमेज है और अपना सस्पेंशन डैमेज है सारा। सस्पेंशन में क्या क्या डैमेज हो सकता है इसका? नकल डैमेज है। ठीक है, और चिमटा ले, ठीक है, शॉकर और नकल दे जा रहे इंपैक्ट लग रहे। तो ये गाइस जैसे कि देख सकते हो, ये थोड़ा अगर मैं पाजी देख रहा हूँ, थोड़ा टायर भी पीछे है, ये टायर डैमेज है ना, डैमेज नकल टेढ़ी होने करके डैमेज हो गया, गाड़ी पलटाई वलटाई ऐसा कुछ नहीं है, इंपैक्ट बस साइड से ही आया। तो ये मैक्सिमम कितने की स्पीड हो सकती है? 70-80 स्पीड होगी, ज्यादा उसकी हैवी गड्डी है, क्योंकि बुलेट भी हैवी थी, बुलेट भी हैवी थी बिल्कुल। तो ये गाइस जैसे कि आपको दिख रहा होगा, तो इसको पाजी एक्सीडेंट हुए कितना टाइम हो गया? ऑलमोस्ट 1.5 साल हो गया। तो गाइस पूरी वेरिफिकेशन के बाद अपना जो है अब ये गाड़ी रीबिल्ड हो रही है, तो इसकी एक प्रॉपर वीडियो जो है वो भी शूट करेंगे, वो भी आपको दिखाऊंगा कि आफ्टर मार्केट और अपना कंपनी की कॉस्ट कितनी आ जाती है अगर आप बाहर से काम करवाते हो या मतलब कंपनी से करवाते हो। तो लक्की भाई, इसका अगर मैं इंजन से पूछूं तो इंजन में इसका क्या डैमेज हुआ था? इंजन सेफ है सारा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इंजन पूरा प्रॉपर, माउंटिंग सेफ है, सब सेफ है। इसका थोड़ा बहुत मैकेनिकल ऊपर से रेडिएटर कंडेंसर या थोड़ा बहुत पावर स्टीयरिंग पंप, ये ठीक है, ये इंटरकूलर ये डैमेज है, ठीक है, और कुछ नहीं। तो गाइस ये जैसे कि मैं आपको एक बार दिखा देता हूं, ये देख सकते हो ये अपना कंडीशन जो इंजन के रहने वाली है। बाकी भाई अगर मैं पूछूं तो इसका एप्रन डैमेज है? नहीं, एप्रन सब सही है, बिल्कुल सही है, हल्की सी लैग ऊपर थी, ये एप्रन की लैग हल्की सी डैमेज है, गियर रिपेयर हो जाएगी, इसका जाकर खींच के नॉर्मल हो जाएगी, पता भी लगेगा इसका। तो ये टॉक रेंच लग के अपना वापसी हो जाएगी। तो ये गाइस जैसे कि आपको कंडीशन इसकी दिख रही होगी, मतलब अगर मैं भाई कहूं जो ये एक्सीडेंट हुआ है, ये आप क्या कहते हो कि मतलब गाड़ी की क्वालिटी कैसी है अगर इतनी की स्पीड में? कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ये गाइस देख सकते हो कंडीशन इसकी ये रहने वाली है। बाकी ऑलमोस्ट 1 से 1.5 साल जो है इसका हो गया, बाकी पूरी वेरिफिकेशन कंफर्मेशन के बाद ये गाड़ी जो है अब रीबिल्ड हो रही है। बाकी फ्रंट में ऐसा कुछ खास डैमेज है नहीं, लाइट्स टूटी हैं, फेंडर टूटे हैं जैसे कि आपको दिख रहा होगा, बाकी थोड़ी बहुत जो है जो प्लास्टिक की आइटमें होती हैं वो जो हिल जाती हैं उन्हें हम डैमेज में ही मानेंगे। बाकी ये देख सकते हो ये जो था फ्रंट में अपना, आपको एक बार बोनट का भी दिखा देता हूँ एक बार। तो जो बोनट है, बोनट में अपना डैमेज आप देख सकते हो, ये डैमेज हुआ बोनट में। अगर मैं बात करूं तो ये देखो पूरा जो है सही है ऑलमोस्ट, अगर इसको रिपेयर करना चाहे तो ये रिपेयर नहीं हो पाएगा, ज्यादा डैमेज है। बाकी अगर हो तो जाएगा, पर इसमें दिक्कत ये है कि फिर लाइनें दिखेंगी, लाइनें गैटअप होनी जो होता है जो शो नहीं आएगी। तो गाइस जैसे कि आपको ये दिख रहा होगा, ये कंडीशन जो है इसकी रहने वाली है। और ये अगर मैं लकी भाई इसकी इस साइड बात करूं तो इस साइड क्या क्या रहने वाला है? बस ठीक है, और मैं अगर गेट वेट की साइड बात करूं तो गेट के हिंज विंज सब कुछ ठीक है, सब कुछ प्रॉपर वर्किंग है। और अगर मैं अंदर की साइड बात करूं तो अंदर में एयरबैग खुले हुए, सारे एयरबैग खुले हुए। तो गाइस अब आपको एक बारी गाड़ी के अंदर लेके चलता हूं और आपको दिखाता हूं कि गाड़ी कितने किलोमीटर जो है चली हुई है और सारे एयरबैग कौन कौन से खुले हैं। 70 से 80 की स्पीड पे, मैक्स टू मैक्स 100 स्पीड होगी, इतनी होगी। तो गाइस अपना ये देख सकते हो, ये जो है गाड़ी की फ्रंट में कंडीशन हुई है एक बुलेट वाले टकराने से। और एक बार अब अंदर लेके चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ अंदर में क्या क्या डैमेज जो है हुआ है। तो गाइस इस टाइम की गाड़ी के अंदर चले और आपको एक बार डिस्कस कर दूं कि क्या क्या इसके अंदर गाड़ी के अंदर डैमेज हुआ है। जैसे कि आपको सबसे पहले दिख रहा होगा ये कंडीशन, आप देख सकते हो सारे एयरबैग जो है अपना छत वाले वो भी खुल गया, ऑलमोस्ट जो है पूरी गाड़ी के एयरबैग जो खुल गए। ये सीट वाला कवर देख सकते हो, अपना सीट वाला एयरबैग जैसे कि आपको दिख रहा होगा, ये सीटें पूरी जो है खुल गई हैं, इसके अंदर भी एयरबैग जैसे होते हैं आपको पता है। और ये देख सकते हो मॉडल, और ये नी वाला जो एयरबैग है वो खुल गया, और ये देख सकते हो स्टेयरिंग वाला एयरबैग खुल गया। तो अब आपको एक बार लक्की भाई से पूछवाता हूँ। तो लक्की भाई, ये जो होता है अगर हम सीट बेल्ट ना लगाएं तो ये खुलेंगे? नहीं, कभी नहीं खुलेंगे, नहीं खुलेंगे। और इसके अंदर जो लक्की भाई डैमेज आया ऑलमोस्ट, कितनी कॉस्टिंग आ जाएगी अराउंड? कॉस्टिंग अभी इतना नहीं है, अभी खुली है, खुलने के बाद फिर सर्च करते हैं, फिर आपको बिल्कुल जो प्रॉपर है गाइज वो आपके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो जो मैं बना दूंगा कि कितना ऑलमोस्ट जो है इसके अंदर खर्चा आ जाता है। बाकी ये जो है एयरबैग जैसे आपको दिख रहा होगा, ये एयरबैग खुल गया, पूरी छत जो है वो खुल गया, पीछे से कंडीशन देख सकते हो, गाड़ी का थोड़ा बहुत सामान भी जो है आ गया है और गाड़ी में काम भी जो है थोड़ा बहुत स्टार्ट हो रहा है। बाकी लगी भाई अगर मैं मान के चलूँ तो ये कितने दिन में रेडी जो है हो जाएगी?
सामान आ जाए तो 10 से 12 दिन में रेडी हो जाएगी, 10 से 12 दिन इसके मैक्स टू मैक्स लग जाएंगे। तो गाइस कंडीशन जैसे कि आपको दिख रही होगी है, पूरी छत के एयरबैग जो है पीछे खुल चुके हैं, बाकी इसके अंदर जो गाड़ी जो चल रही थी वो अकेला एक ही बंदा ड्राइवर ही चला रहा था, तो इतना डैमेज जो है इसके अंदर हुआ है, बाकी और सारे लोग भी ऑलमोस्ट सेफ ही होते क्योंकि एयरबैग जो है खुल गए। बाकी जैसे कि एयरबैग आपने ये देख लिया, ये नी वाला एयरबैग बहुत काम आता है भाई, ये आपके घुटने जो है बहुत मतलब 90% तक जो है सेव कर लेता भाई, क्योंकि इम्पैक्ट जो है एकदम से पीछे से आगे जो है आता है। बाकी ये जो था फॉर्चुनर का एक एक्सीडेंट का मैंने वीडियो बनाया कि हाँ आपको एक ओवरऑल आइडिया लग जाए कि क्या क्या डैमेज हो सकता है। बाकी जब इसका काम हो जाएगा वो आपको एक बार जरूर दिखा दूंगा कि इतना टाइम लग गया, इतना प्राइस लग गया और कितना टाइम जो है मतलब इससे अगर मोस्टली हाई डैमेज होता है गाड़ी उसमें खत्म हो जाती है वो तो टोटल लॉस में चली जाएगी। बाकी सारी डिटेल जो है आपके साथ एक डेडिकेटेड वीडियो में मैं शेयर कर दूंगा। तो लकी भाई ने ये जो था भाई देख सकते हो, लकी भाई ने बता दी कि आपको ये चीजें इसके अंदर जो है डैमेज हुई है। सो गाइस आपको एक और चीज बता दूं, जैसे कि आपको दिख रहा होगा गाड़ी बिल्कुल वर्किंग कंडीशन में है, बिल्कुल देख सकते हो स्टार्टिंग कंडीशन में स्टार्ट हो रखी है गाड़ी। तो ये देख सकते हो गाड़ी बिल्कुल भाई स्टार्ट है, कोई मतलब ये देखो मैं एक्सीडेंट भी कर रहा हूँ, ये थोड़ी आवाज चेंज है क्योंकि इंटरकूलर का जो है हॉस पाइप वो फटा हुआ है। बाकी गाड़ी पूरी प्रॉपर मतलब वर्किंग में है, ऐसी बात नहीं है कि बिल्कुल ही, कई गाड़ी होती है जो बिल्कुल ही डैमेज होती है चल नहीं पाती। तो जैसे कि आपको ये दिख रहा होगा 76,000 किलोमीटर जो है ये चली हुई ऑलमोस्ट गाड़ी, जैसे कि लक्की भाई ने बताया 1,00,000 किलोमीटर के आसपास जो है गाड़ी चली हुई है, बाकी मैं ब्रांड न्यू तो इसे नहीं कह सकता, ऑलमोस्ट 1,00,000 किलोमीटर के आसपास जैसे कि आपको दिख रहा होगा 76,000 किलोमीटर जो है चली हुई है। तो आज की वीडियो यहीं तक थी गाइज, एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और ये देख सकते हो पूरा कंडीशन जो है मैंने आपको दिखा दी है। तो मिलता हूं फिर बहुत जल्द एक नेक्स्ट वीडियो को लेके, ऐसी वीडियो देखने के लिए आप चैनल को जो है सब्सक्राइब कर सकते हो। आने वाली वीडियोस में आपको मैं पूरी कॉस्टिंग भी बताऊंगा, कितना टाइम लग जाता है, कौन सी गाड़ी है, तो सारी डिटेल जो है मैं आपके साथ एक बार शेयर कर दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब आप कर सकते हो इन फ्यूचर के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।